वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आप सभी से कर लेते हैं जो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, इस समय पर मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जिन भी वीडियोस पे मेरे, जैसे मैंने पब्लिक किया और पब्लिक करने के बाद भी जिन वीडियो में मेरे 20% से ऊपर CTR होता है, वो वीडियो 100% वायरल होते हैं। उनमें 100% 1000, 1500, 2000 व्यूज जाना तय है, 3000, 5000, किसी किसी में 20,000, 33,000 भी व्यूज इस समय रिसेंटली वीडियो पे आया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो भैया, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वीडियो पब्लिक करने के तुरंत बाद अगर घंटे डेढ़ घंटे के अंदर तक में मेरा CTR वीडियो का 20% से ऊपर रहता है तो वीडियो वायरल होना तय हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने और एक चीज ऑब्जर्व की, एक वीडियो मैंने पब्लिक की और पब्लिक करने के घंटे भर के अंदर अगर CTR 10% पहुंच गया, 10 से नीचे पहुंच गया, तो वीडियो बिल्कुल डाउन हो जाता है, 100% 8वें 9वें 10वें नंबर पे वीडियो रैंक करने लगता है। बात समझ गए। अब मैं आपको ये सारी चीज जो बता रहा हूँ, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। YouTube पर अगर आपको ग्रो होना है तो उससे पहले आपको मेरी इस बात को समझना पड़ेगा जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है कि 8 साल पहले मैं और मेरे 10 दोस्त एक रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने। एक्चुअली में कोई वो रेस्टोरेंट नहीं होता, वो एक ढाबा होता है जहाँ पर हम सभी लोग खाना खाने जाते हैं, ठीक है। अब उस समय ना हम पैसे कमा रहे होते हैं, ना हमारे दोस्त पैसे कमा रहे होते हैं, सभी लोग अपने बाप के पैसे में अय्यासी कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो गरीब फैमिली का होता या किसी बड़े फैमिली का होता, बड़े घर के फैमिली का होता है ना, हर कोई अपने पिताजी के ऊपर ही डिपेंड था, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं भैया, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भैया निकलते हैं ढाबे से, और ढाबे से निकलने के बाद कुछ ऐसा होता है जो मेरी आंखें जिंदगी भर के लिए खोल देता है। और वो क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग खाना खा के बाहर निकलते हैं भैया, कोई बड़े घर का लड़का पैसे पे कर देता है, पैसे पे करने के बाद में भैया बारी आती बाहर निकलने की, अपनी अपनी गाड़ी उठाने की। जब गाड़ी उठा रहे होते हैं तो एक बार नजर चली जाती है जहां पर हम लोग बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते समय दोस्तों एक वेटर था, उसे वेटर नहीं कह सकते दोस्तों, बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे वो, और दोस्तों वो लगातार हम लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे थे, कभी नमक ला के दे रहे थे, कभी रोटी ला के दे रहे थे, कभी सलाद ला के दे रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ वो हम लोग को लगातार दे ही रहे थे। और दोस्तों जब मैंने, हम लोग जब बाहर आ गए रेस्टोरेंट से, यानी होटल से जब बाहर आ गए, और उसके बाद जब मेरी नज़र पड़ी होटल के अंदर जहाँ पर मैं बैठा हुआ था, हम सब बैठे हुए थे खाना खा रहे थे, तो दोस्तों वहाँ पर कुछ मैंने ऐसा देखा ना जो देख करके मेरी रूह अंदर से कांप गई। और मेरी लाइफ का ना एक बहुत बड़ा मोमेंट था जहां से मुझको बहुत बड़ा कुछ सीखने को मिला। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने उस ढाबे के अंदर देखा ना, तो दोस्तों मैंने ये देखा, वो बुजुर्ग इंसान जो कि लगभग 60 साल से ऊपर का था, दोस्तों हम लोगों के द्वारा जो खाना छोड़ा गया था ना दोस्तों, उस खाने को वो खा रहा था। हम लोगों का जूठन जो बचा था उस खाने को वो खा रहे थे। दोस्तों जब इस चीज को मैंने देखा ना, तो मेरी अंदर से रूह कांप गई यार, कि अन्न के लिए यार लोग इतना, मतलब आप लोग जरा सोचिए, क्या आप किसी का जूठा खा सकते हैं? अगर मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन करूं कि टट्टी में पड़ा हुआ एक समोसा है जो आपको खाना है, कौन कौन खाएगा कमेंट करके बताइएगा। आप में से कोई नहीं खाएगा, लेकिन एक बात को मैं लिख कर कह सकता हूं कि अगर साला तुमको 20 दिन तक किसी ने खाना नहीं दिया ना, लिख कर बोल रहा हूं, समोसे को उठाकर खाओगे, बिल्कुल खाओगे, क्योंकि भूख से बढ़कर कुछ नहीं होता। और वो चीज उस दिन जब मैंने देखी ना उस इंसान के अंदर, कि हम लोगों का खाना खाया वो जो बचा था, जूठन था यार, उसको वो बंदा खा रहा था यार। और उस दिन मेरी रियल में आंखें खुल गई भोजन को लेकर और अपनी जिंदगी को लेकर, कि जिंदगी में साला कुछ भी करना है, लेकिन खुद को कभी धोखा नहीं देना, अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करनी। आप लोग क्यों नहीं ग्रो हो पा रहे हो पता है? क्योंकि आपके पिछवाड़े में भोजन घुस रहा है लगातार। देखो बुरा लगेगा, मेरे शब्द कड़वे हैं, लेकिन सच है। पिताजी कमा ही रहे हैं, पैसा आ ही रहा है, किसी ना किसी तरह पेट में 2 रोटी तो घुसी रही है, और यही रीजन है कि तुम सिर्फ यूट्यूब करते रहते हो, कभी जिंदगी में अपने काम पे फोकस नहीं किया कि साला मुझे देना कंटेंट क्या है, वीडियो कैसे बनाना है, आज के समय को देखकर क्या काम करना है, कभी इस पे फोकस नहीं किया। किया तो किस पे किया, व्यूज नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, चैनल ग्रो नहीं हो रहा, चैनल पे डॉलर कैसे बढ़ाए जाए, ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि तुम लोगों को कोई ये बता ही नहीं रहा कि मेरे भाई सबसे पहले अपने काम पर फोकस करो। मैंने क्यों आपको ये गाथा सुनाई? लोग हमेशा करते हैं ना कि भैया आपकी ट्रिक काम नहीं की। अबे तुम्हारा कंटेंट हागा जैसा है तो हमारी ट्रिक कहां से काम करेगी? मेरे भाई एक बात याद रखना,
अगर सोशल मीडिया पे रियल में ग्रो होना है ना, तो अपने काम को अपना प्यार बना लो। बात समझ गए ना? जिस दिन तो अपने काम को अपना प्यार बना लिए ना, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बात समझ गए? आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ ये कहने वाला हूं कि एक आम सा बंदा, शिवार्थ राज शुक्ला 2.0, एक आम सा लड़का जिसकी इस देश दुनिया में कोई पहचान नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, जीरो पर था, और आज इस नाम को सोशल मीडिया पे लाखों लोग जानते हैं। कैसे जान पाए? हमने अपने चैनल को इतने कम समय में इतना अच्छा ग्रो कैसे कर लिया? आज लाखों लोग इस भाई को, आपके भाई को, आपके भाई का नाम जानते हैं, आपके भाई की बातें सुनते हैं। तो ये दिन कैसे आया? क्योंकि दोस्तों, मैं अपने काम से प्यार करता था, और सबसे बड़ी वैल्यू मुझे पता थी उस अन्न की वैल्यू मुझे पता थी कि वो जो अन्न है ना, वो पैसे से आता है, और पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं, उसके लिए इंसान का पिछवाड़ा रगड़ जाता है। और आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया पे इस तरीके से दिखाया जाता है, जैसे आपको लगता है कि अरे कुछ नहीं है भाई, सोशल मीडिया पे बस आएंगे, वीडियो बनाएंगे, बस काम हो जाएगा, पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है, रगड़ जाओगे, याद रखना, रगड़ जाओगे। अगर तुमने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया ना, तो रगड़ जाओगे। काम तुम्हारा बेहतर होगा, उसके बाद भी रगड़ोगे, लेकिन एटलीस्ट अगर काम बेहतर है, तो रगड़ने के बाद तुमको तुम्हारी मंजिल जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर काम बेहतर नहीं है, तो रगड़ोगे तो, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। तो उम्मीद है भाई आज कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, बस ऐसे ही मुझे आपको कुछ बताना था, उस स्टोरी को शेयर करना था, ताकि आपके अंदर एक आग लगे और आप भी वैसे ही काम कर सको जैसे हमने किया। कोई सोर्स नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, मेरे साथ में कुछ भी नहीं था, ना कोई सपोर्ट था, ना कोई किसी का पीछे किसी का हाथ नहीं था, बट उसके बाद भी आपके भाई ने 30,000 की फैमिली कंप्लीट की। तो अगर मैं कर सकता हूं, तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन बस डेडिकेशन देखना पड़ेगा। आज हम अपने घर से 850 किलोमीटर दूर आए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ये वीडियो बनाकर जरूर दे रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, मैं भी चाहता तो बहाने मार सकता था कि नहीं भाई, आज तो मैं अपने स्टूडियो पे नहीं, अपने घर पर नहीं, कैसे वीडियोस बनाऊंगा, बट मेरे को काम करना है, मेरे को आपको सिखाना है, फिर चाहे मुझे समय कैसे भी निकालना पड़े। और ये चीज आपके अंदर तभी आएगी जब आप अपने वर्क को लेकर के डेडिकेट होंगे, ठीक है ना। बाकी रही बात सरप्राइज की, तो सरप्राइज मैं आप सभी को दे देता हूं कि सरप्राइज आपके लिए क्या है। ठीक है, इस समय पर दोस्तों मैं रायपुर में हूं, ठीक है, और जो भी भाई रायपुर के आसपास के हैं, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो 5 तारीख के अंदर अंदर वो कुम्हारी के आसपास आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, वहां से आप मुझसे संपर्क कीजिए और मुझे बताइए अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं तो। ठीक है, कौन कौन मुझसे मिलने आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वो रायपुर के आसपास का है, तो बिल्कुल 5 तारीख तक मैं आप लोगों से मिल सकता हूं, आपसे बातें कर सकता हूं, और आपको सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो होना है वो मतलब सामने से सिखा सकता हूं। तो अगर आप रायपुर के आसपास से हैं, तो स्वागत है, आइए मिलने। इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है शिवार्थ राज शुक्ला 2.0, और जो चैनल का लोगो है वही, वहां पर भी लोगो मिल जाएगा, सर्च कीजिए वहां पर जाकर के। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी मेरे इंस्टा आईडी की, तो भैया जाइए जल्दी से। ठीक है, बस यही आप लोगों के सरप्राइज था कि मैं चूंकि घर से बाहर आया हूं, अगर यहां आसपास का कोई मुझसे मिलना चाहता है, तो बेशक मैं उसके साथ भाईचारा निभाने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे आपको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं आपको सिखाता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।